नमस्कार मेरा नाम है अर्चना पांडा मैं उड़ीसा के एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं लेकिन सैन फ्रांसिस्को यानी सिलिकॉन वैली में एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूं लेकिन आज भी भारत मेरा भारत मेरा है और जब मोदी जी ने हमसे पूछा कि कैसा देखना चाहते हैं आप भारत आने वाला भारत तो हम अपनी आशाओं को एक कविता में बांध आपके लिए लेकर आए हैं तो आइए लीजिए मोदी जी के नाम एक पाती एक पत्र एक कविता कि हम भारत को आने वाले भारत को कैसा देखना चाहते हैं आएंगे मोदी जी कीजिए वादा है भरोसा सीधा साधा भारत से आप भारतीयता निभाएंगे श्रमिक को काम मिले श्रमिक को काम मिले शौर्य को इनाम मिले श्रमिक को काम मिले शौर्य को इनाम मिले खेतों में किसानों तक हक पहुंचाएंगे मेरे गांव में भी आप बिजली सड़क पानी मेरे गांव में भी आप बिजली सड़क पानी घर घर शौच की सुविधा दिलाएंगे रात जब जाऊं घर रात जब जाऊं घर मुझको न लागे डर कहिए मोदी जी क्या ये आप कर पाएंगे मीडिया जो बेधड़क मीडिया जो बेधड़क बेशाउर बिक रहा कैसे आप इस पर अंकुश लगाएंगे भारत को नंगा कर दंगा करते हैं जो भी कैसे उन्हें आप इस देश से हटाएंगे बॉर्डर पे बैरियों से जंग जीत लेंगे आप। बॉर्डर पे बैरियों से जंग जीत लेंगे आप घर के विभीषणों से कैसे जीत पाएंगे अब के चुनाव हम जानना ही चाहते हैं अब के चुनाव हम जानना ही चाहते हैं और अच्छे दिन आप कैसे हम मिलाएंगे और अच्छे दिन आप कैसे हम मिलाएंगे और एक बात खास आपसे हमें है आस और एक बात खास आपसे हमें है आस भारत की शान हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे और एक बात खास आपसे हमें है आस भारत किसान हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे हिंद हिंदू हिंदी की अलग पहचान बने हिंद हिंदू हिंदी की अलग पहचान बने ऐसा कुछ काम आप करके दिखाएंगे भारत को नई छवि यदि आप देंगे ऐसी भारत को नई छवि यदि आप देंगे ऐसी हर सुप्रवासी सर ऊंचा कर पाएंगे और फिर परचम और निज पर चम निज देश वाला हम और फिर पर चम निज देश वाला हम पूरी शान से चारों ओर फहराएंगे पूरी शान से ही चारों ओर फहराएंगे पूरी शान से ही चारों ओर फहराएंगे जय हिंद वंदे मातरम